हाय गाइस, अगर आप घर पर बोर हो चुके हो और आप चाहते हो प्रकृति का आनंद लेना तो करिए अपने बैग को पैक, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसे शहर के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जहाँ आप कम पैसे में प्रकृति का भरपूर आनंद ले सकते हैं, वो भी अपने देश में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजगीर की। यह शहर बिहार राज्य के सबसे अद्भुत शहरों में से एक है। पांच पहाड़ों से घिरा हुआ प्रकृति की गोद में बसा हुआ अद्भुत शहर है। राजगीर का इतिहास काफी पुराना है। राजगीर जरासंध, बिम्बिसार, कनिष्क आदि प्रसिद्ध शासकों का निवास स्थान था। जरासंध ने यहीं भगवान श्री कृष्ण को हराकर मथुरा से द्वारका जाने पर विवश किया था। यहाँ हिंदू, जैन और बुद्ध तीनों धर्म के धार्मिक स्थल हैं। खासकर बौद्ध धर्म से इसका बहुत प्राचीन संबंध है। भगवान बुद्ध कई वर्षों तक यहाँ ठहरे और कई उपदेश भी दिए थे। यह शहर पर्यटकों को आकर्षण का केंद्र है। अब हम बात करते हैं राजगीर के प्रमुख पर्यटक स्थल के बारे में। गिटकुट पर्वत पर भगवान बुद्ध ने कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे। जापान के बुद्ध संघ ने इसकी चोटी पर एक विशाल शांति स्तूप का निर्माण कराया है, जो आजकल पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। राजगीर के रोपवे को भारत का सबसे पुराना रोपवे कहा जाता है। रोपवे लाइन एक रोमांचकारी गतिविधि है, जो पर्यटकों को प्रकृति से रत्नगिरी हिल के शीर्ष पर ले जाती है। कटोरा झील, घोरा कटोरा झील राजगीर के सबसे आकर्षित स्थानों में से एक है और आपने नाम के अनुसार घोड़े की भांति दिखाई भी देती है। घोरा कटोरा पिकनिक जैसी गतिविधियों के लिए पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। आप यहाँ पे नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। गर्म जल के झरने, बेबा पहाड़ की तराई में जल के कई झरने हैं। इन झरनों के पानी में कई चिकित्सक गुण होने के प्रमाण मिले हैं। पुरुष और महिलाओं के नहाने के लिए कुंड बनाए गए हैं। इनमें ब्रह्म कुंड का पानी सबसे गर्म होता है। भंडार, यह स्थान प्राचीन काल में जरासंध का सोने का खजाना था। कहा जाता है कि अब भी इस पर्वत की गुफा के अंदर अतुल मात्रा में सोने छुपा हुआ है और पत्थर के दरवाजे पर उसे खोलने का रहस्यमय तरीके से गुप्त भाषा के रूप में खुदाई की हुई है। यह भाषा शंख लिपि की है। यूरोपियन दीवार, यह दीवार 2500 साल पुरानी है। 4 मीटर चौड़ी और 40 किलोमीटर लंबी है। साइक्लोपियन दीवार पूरे राजगीर शहर को घेरती है। साइक्लोपियन दीवार का निर्माण मौर्य द्वारा शहरों को चारों तरफ से मजबूत बनाने के उद्देश्य से किया गया था। वर्तमान समय में इसके अधिकांश भाग खंडर के रूप में तब्दील हो चुके हैं। पांडु पोखर एक खूबसूरत और प्राकृतिक पार्क है, जहाँ नौका विहार, शांत शीतल जल, जगमगाती रोशनी, राजा पांडु की काश की आकर्षक प्रतिमाएं देखने को मिलेगी। जरासंध का अखाड़ा, जरासंध का अखाड़ा वैभव पहाड़ी के निकट स्थित है। यहाँ पहले एक कुश्ती का अखाड़ा हुआ करता था। इस स्थान की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। मगध का सबसे शक्तिशाली सम्राट जरासंध और पांडु पुत्र भीम के बीच मल्लयुद्ध इसी स्थान पर हुआ था, जिसमें भीम ने जरासंध का वध कर उसके कारागार से 99 राजाओं को मुक्त किया था। वर्तमान में यह अखाड़ा निर्जीव वनस्पतियों के साथ एक सुनसान खंडर के रूप में तब्दील हो गया है। पानी गुफा, सतपर्नी गुफा वैभव पहाड़ी पर स्थित है। इस गुफा में पहली बार बौद्ध परिषद हुई थी। इस परिषद में लगभग 500 भिक्षुओं ने हिस्सा लिया था। और इसके प्रमुख पर्यटक स्थलों की यात्रा करने के बाद यदि आपको किसी अच्छे निवास स्थान की तलाश है तो आपके लो बजट से लेकर हाई बजट तक होटल मिल जाएगी। आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार होटल का चुनाव कर सकते हैं। राजगीर का स्थानीय भोजन, राजगीर अपने खूबसूरत पर्यटन स्थल के साथ साथ अपने लचीज भोजन के लिए भी प्रसिद्ध है। राजगीर में आपको उत्तर भारत व्यंजन, जापानी, थाई, कोरियाई, बिहारी और चीनी व्यंजन उपलब्ध मिलेंगे। स्थानीय भोजन के रूप में आपको लिट्टी चोखा, चना घुघनी, खाजा, मटन कबाब, केसरी पेड़ा, लौंग लट्टा, दाल बेट्टा, खजूर आदि मिल सकते हैं। कैसे पहुंचे राजगीर? कष्ट सड़क मार्ग,
सड़क परिवहन द्वारा राजगीर जाने के लिए पटना, गया, दिल्ली से बस सेवाएं उपलब्ध हैं। रेल मार्ग के लिए पटना, दिल्ली से सीधा रेल सेवा यात्री के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। हवाई मार्ग, यहाँ पर वायुयान से पहुँचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा पटना है, जो करीब 107 किलोमीटर की दूरी पर है। और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल 101 के साथ।